नमस्कार, आप देख रहे भारत में तरलाई। मैं हूं आपके साथ निशा मिश्रा। देश देशांतर में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए देख लेते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए केंद्र ने घटाई है होम आइसोलेशन की अवधि। झारखंड के पाकुड़ा में गैस सिलेंडर से लदे ट्रक से भिड़ी है बस, 16 लोगों की गई है जान। कश्मीर के पुलवामा में जैसे कि 3 आतंकी ढेर। 67 साल की हो गई है सीएम ममता बनर्जी। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक, पंजाब सरकार पर उठ रहे हैं सवाल। प्रदेश भाजपा के एक और महारथी ने डाला है हथियार, दिलीप घोष पर साधा है निशाना। सीएम योगी समेत कांग्रेस ने यूपी में सारी रैलियां कर दी है रद्द। अयोध्या से चित्रकूट को जोड़ने की पहल, राम भक्तों को मिला बड़ा तोहफा। आइए देख लेते हैं अब खबरें विस्तार से। भारत में कोरोना वायरस की तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है। नए वेरियंट ओमिक्रॉन के खतरे के बीच देश में कोविड-19 संक्रमण के मामले बढ़ने लगे हैं। अभी बुधवार की सुबह ही पिछले 24 घंटों में कोविड के 58,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन की वजह से कोविड के मामले तेजी से फैल रहे हैं, क्योंकि ये काफी संक्रामक वेरिएंट है। क्योंकि अभी तक इस वेरिएंट से बीमार हो रहे मरीजों में ज्यादा गंभीर स्थिति देखने को नहीं मिली है, लेकिन फिर भी आशंका है कि आने वाले दिनों में मरीजों की तादाद और तेजी से बढ़ेगी और अस्पतालों पर दबाव बढ़ेगा। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने बुधवार को होम आइसोलेशन को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की है। झारखंड के पाकुड़ा में बुधवार की सुबह हुई एक सड़क दुर्घटना में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों की गंभीर हालत को देखते हुए मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। बस साहिबगंज से दुमका जा रही थी, तभी लिट्टीपाड़ा अमरापाड़ा रोड पर पडेर कोला के पास गैस सिलेंडरों से लदे ट्रक से उसकी टक्कर हो गई। बस क्या, बस में 40 से ज्यादा लोग सवार थे जब ये दोनों गाड़ियां आपस में भिड़ी। पाकुड़ा के एसपी जनार्दन ने कहा है कि अब तक 15 शव बरामद किए जा चुके हैं। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों ही गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए हैं। बस में बैठे कई लोग अंदर ही फंसे रह गए, जिन्हें बाद में बस की बॉडी को काटकर बाहर निकाला गया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक पाकिस्तानी समेत जैसे मोहम्मद के 3 आतंकवादी मार गिराए हैं। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस और सुरक्षा बलों की टीम ने जिले के चांदगांव ग्राम में घेराबंदी और तलाशी अभियान छेड़ा था। इसी दौरान वहां छिपे आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में 3 आतंकी मारे गए। उनके पास से 2 M4 कार्बाइन और AK सीरीज राइफल सहित आपत्तिजनक सामग्री, हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। बता दें कि दक्षिण कश्मीर में सोमवार के बाद से यह दूसरी मुठभेड़ है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 67 साल की हो गई हैं। बुधवार को उनके जन्मदिन पर राज्यपाल जगदीप धनखड़, केंद्र मंत्री नितिन गडकरी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश ने ममता बनर्जी को ट्वीट कर जन्मदिन की बधाई दी है। ममता बनर्जी ने महज 15 साल की उम्र में राजनीति में उतरकर 1984 के आम चुनाव में सोमनाथ चटर्जी जैसे कद्दावर नेता को हराया था। बाद में वाम मोर्चा की सरकार को उखाड़कर बंगाल की सीएम बनने का गौरव भी ममता ने हासिल किया। इनका जन्म 5 जनवरी 1955 को कोलकाता के एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। कहा जाता है कि ममता ने दूध बेचकर अपने भाई बहन का पालन पोषण किया और खुद भी पढ़ाई लिखाई पूरी की। ममता बनर्जी 1984 के आम चुनाव में भारत की सबसे कम उम्र की सांसद बनी थी। इसके बाद नरसिम्हा राव सरकार में मानव संसाधन विकास, युवा मामले, खेल व महिला व बाल विकास राज्य मंत्री पद पर रही। 1996, 1999 और 2004 व 2009 में ममता बनर्जी कोलकाता सीट से लोकसभा चुनाव जीतती रही हैं। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को सड़क मार्ग से जाते समय एक फ्लाईओवर पर 15 से 20 मिनट के लिए उस वक्त फंस गए जब कुछ प्रदर्शनकारियों ने रास्ते का अवरोध कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस घटना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में गंभीर चूक करार दिया है। वहीं अगर न्यूज एजेंसियों की माने
तो पीएम मोदी ने बठिंडा एयरपोर्ट पर अधिकारियों से कहा कि अपने सीएम को थैंक्स कहना कि मैं बठिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा लौट पाया। प्रधानमंत्री की पंजाब यात्रा के दौरान गंभीर सुरक्षा खामी के लिए राज्य सरकार को कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। प्रदेश भाजपा में अंतरकलह बढ़ता जा रहा है। हाल ही में किए गए सांगठनिक फेरबदल के बाद से पार्टी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं का असंतोष चरम पर पहुंच गया है। बनगांव से सांसद व केंद्रीय राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर एवं खड़गपुर के विधायक हिरण चटर्जी इतने नाराज चल रहे हैं कि उन्होंने पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप से खुद को न सिर्फ अलग कर दिया है बल्कि शांतनु ठाकुर ने पार्टी के 5 असंतोष विधायकों के साथ बैठक भी की है। उनका आरोप है कि भाजपा मतुआ समुदाय की उपेक्षा कर रही है। इसके बारे में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष का कहना है कि कोई किसी के साथ बैठक कर सकता है और मिल सकता है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नाराज शांतनु ठाकुर से फोन पर बात कर उन्हें मनाने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के प्रचार में जोर शोर से लगी कांग्रेस पार्टी ने अपने सभी चुनावी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है। यह फैसला यूपी के बरेली में कांग्रेस की लड़की हूँ लड़ सकती हूँ मैराथन में सैकड़ों की संख्या में बिना मास्क के लड़कियों और महिलाओं के हिस्सा लेने और भगदड़ जैसे हालात बनने के बाद लिए गए हैं। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी नोएडा में गुरुवार को होने वाली रैली को कैंसिल कर दी है। बताया जा रहा है कि नोएडा में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से यह फैसला लिया गया है। वैसे आपको बता दें कि नोएडा में पूरे राज्य में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले दर्ज किए गए हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने आज देश में राम भक्तों को बड़ा तोहफा दिया है, जिसके तहत केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने संगम नगरी प्रयागराज में विकास की नई परियोजना का शिलान्यास और लोकार्पण के अलावा अयोध्या से चित्रकूट तक जाने वाले राम वन गमन पथ की आधारशिला भी रख दी। भगवान राम की जन्म स्थली अयोध्या से शुरू होकर उनके वनवास स्थल चित्रकूट तक बनने वाला यह राम वन गमन पथ 177 किलोमीटर लंबा होगा। 4 लेन के इस हाईवे को बनाने में तकरीबन 4,500 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। यह हाईवे 2 सालों में बनकर तैयार हो जाएगा। आज के लिए देश देशांतर में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त। तब तक देखते रहिए भारत मित्र लाइव की अपडेटेड न्यूज। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें।